नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले पूरे के पूरे आपका एक सप्ताह का हाल। राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा राशिफल रहता है यह लग्न पर आधारित होता है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही जो है इस संपूर्ण तथ्य को और संपूर्ण राशिफल को समझिए। हालांकि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले अंतिम पड़ाव में मैं सभी का उपाय भी बताते चला जाऊंगा। कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित होता है, क्योंकि ग्रहों का तरंग हमारे मस्तिष्क पर असर डालता है और हमारा वर्ताव भी फिर उसी के अनुसार होता है। 12, 13 और 14 तारीख को जो है चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे शुक्र और सूर्य के साथ। सूर्य और चंद्रमा की मित्रता है लेकिन शुक्र के साथ चंद्रमा की मित्रता नहीं है, जिस कारण से थोड़ा सा अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसे स्थितियों में खर्च का योग ज्यादा रहता है तो मैं यही बोलूंगा कि आप 12, 13, 14 तारीख को खर्च में थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा क्योंकि मेष राशि का चंद्रमा रहेगा। 15, 16 और 17 तारीख को, यानी 17 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे तक जो है चंद्रमा रहेंगे अपने उच्च की राशि वृषभ में, लेकिन किसके साथ रहेगा? राहु के साथ रहेगा। राहु और चंद्रमा चंद्र ग्रहण लगाता है, यही कारण है कि समझ लीजिए कि आप 15, 16 और 17 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे तक जो है क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण करिएगा। हालांकि उच्च के चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं और आलस्यपन पे नियंत्रण रखते हैं तो ग्रहण दोष का कोई विशेष नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। 18 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में और मंगल के साथ। जब मंगल के साथ रहेंगे तो चंद्रमा और मंगल की घनिष्ठता मित्रता है, यानी 18 तारीख को, यानी सप्ताह के अंतिम दिन में स्थितियों में बहुत हद तक सुधार और लाभ की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे। अगर बड़े ग्रहों की गोचर की बात करते हैं तो 14 तारीख को जो है सूर्य जो है वो प्रवेश कर रहे हैं मंगल की राशि में, और इसके अलावा जो है मंगल जो है वो प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। यानी कहीं ना तो कहीं दो बड़े ग्रहों का भी राशि परिवर्तन दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। कोविड-19 बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, पुनः जो है ये फैलाव की ओर है। हालांकि इसमें मैंने रिसर्च कर लिया है क्यों आया, किस कारण से और क्यों जाएगा। यह संपूर्ण जानकारी के लिए आप बहुत जल्द मेरे चैनल पे एक बहुत ही अच्छी विद एग्जांपल के साथ वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि काफी दिनों से 6 महीने से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था और मैं डिसाइड करने में मुझे टाइम लग गया कि क्यों आखिर आया क्यों। इसके अलावा जो है अगर आप रत्नों की अच्छी जानकारी चाहते हैं तो मेरी दूसरी जानकारी यानी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता पे आप जाइए, संपूर्ण रत्नों से मिला जुला जानकारी आपको प्राप्त होगा, जिसमें मैं स्वयं एग्जाम्पल के साथ में रत्नों के बारे में जानकारी देता हूं। और अंतिम यह बात है कि जिन लोगों का भी जन्म 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के मध्य में हुआ है, यानी अप्रैल के महीने में, सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यह वर्ष आपके मंगलमय हो, जीवन के प्रत्येक कर्म क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति हो, मैं यही आपको आशीर्वाद देता हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं साप्ताहिक राशिफल 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य का। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न में विराजमान रहेंगे, जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं, और सूर्य के साथ और शुक्र के साथ भी रहेंगे। चंद्रमा दूषित नहीं होगा क्योंकि परम मित्र सूर्य हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अग्नितात्विक ग्रह है। सूर्य अग्नितात्विक ग्रह है और चंद्रमा जल तात्विक ग्रह है, जिस कारण से थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती, तो मन में शांति बना के रखिएगा। हालांकि 12, 13, 14 तारीख को मानसिक शांति मिलेगी, कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, संपत्ति रिलेटेड व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेंगी, दाम्पत्य जीवन हेतु अच्छे रिश्ते आएंगे, जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, नौकरी में आई स्थिरताएं और जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेगा, संतान की तरक्की और इसके अलावा जो है साझा व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। इस समय जो है आपको सम्मान की प्राप्ति के साथ में
कुछ फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में समाधान देखने को मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा उच्च अवस्था में रहेंगे, तो जो लोग भी नौकरी को परिवर्तित करना चाहते थे परिवर्तन होगा। प्रेम विवाह के योग में वृद्धि देखने को मिलेंगे, या घर वाले नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे, पारिवारिक कलह दूर होगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे यात्राएं आप करेंगे। इसके अलावा आपके साझा व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, मेंटल पीस के साथ माता पिता के साथ रिलेशन भी ठीक होंगे और बॉस से भी आपके रिश्तों में सुधार आएगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड अच्छी न्यूज भी आपको मिल सकती है। 18 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय हो जाएंगे परम मित्र मंगल के साथ। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, हेल्थ संबंधी समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे, पेट और पैरों के समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। अचानक वाहन या प्रॉपर्टी या संपत्ति का सुख तो पूरे सप्ताह मिल ही सकता है, यानी पूरे सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के मध्य में मेष लग्न और मेष राशि वाले आप जो है हनुमान जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं 12 से 18 अप्रैल के मध्य का, तो 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में सूर्य और शुक्र के साथ रहेंगे। 12, 13, 14 तारीख को पैसे में कमी देखने के योग बनेंगे, गले में टॉन्सिल, रिश्तेदारों से मतभेद, मासिक अशांति, केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिलेंगे। 12 और 13 और 14 तारीख को आपकी कुंडली में विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा, सिर दर्द और गले के समस्याओं से आपको थोड़ी परेशानी होगी और साथ में कर्ज और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 12, 13, 14 तारीख को आपको सावधान होना चाहिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 15, 16 और 17 तारीख को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले उच्च का लग्न का चंद्रमा भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या उच्च अधिकारी के क्षेत्र में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। हालांकि चंद्रमा की नीच दृष्टि जो है निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में सातवें घर पे रहेगा, तो इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना है, कहीं भी बिना सोचे समझे विवाह मत सेट कर लीजिएगा, और पार्टनरशिपिंग से व्यवसाय को ही बचाना है, और नौकरी या व्यवसाय में परेशानियां आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जबकि चंद्रमा उच्च का रहेगा तो सुख समृद्धि और संपत्ति में वृद्धि होगा, लेकिन इस मामले में खराब है क्योंकि उच्च का चंद्रमा का दृष्टि नीच का होता है। 18 अप्रैल को जो है धन की वृद्धि, मानसिक शांति, परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे, शिक्षा संबंधित कुछ अच्छी न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी, मेंटल पीस मिलेगा, वाणी में सुधार, बैंक बैलेंस में वृद्धि की संभावनाएं देखने को मिलेंगे। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको मैं एक ही उपाय बोलूंगा, 15, 16 और 17 तारीख को जो है जल में चावल मिला करके जो है आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और पूरे सप्ताह जो है साबूदाने का खीर का सेवन प्रातः काल अवश्य करिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए 12 से 18 अप्रैल का साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो 12 से 14 तारीख का आय स्थान का चंद्रमा आपके कुंडली में धन की वृद्धि करवाएगा, मानसिक शांति देगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार करेगा, विदेश यात्राओं को बढ़ाने वाला रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु आप जो भी परचेज करना चाहते हैं वह भी परचेज करिएगा, और इसके अलावा जो है इस समय नौकरी में परिवर्तन के योग भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, पारिवारिक विवाद की समस्याएं दूर होंगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपको विदेश यात्राओं का सुख देगा, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, केस मुकदमा से वृद्धि, प्रेम विवाह या लव रिलेशन में सुधार, मानसिक शांति, और इसके अलावा जो है केस मुकदमा में अगर आपको कोई फंसाना चाहता था और उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था तो वह भी हो जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। 18 तारीख को जो है आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, यात्राएं सुखद होंगी और मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरे सप्ताह का अगर बात करें उपाय के तौर पे तो मैं आपको यही बोलूंगा, सौंफ जो है
पूरे सप्ताह जो है आप गणेश जी को भोग के रूप में चढ़ाइए तो आपके लिए निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह की राशिफल की बात करना चाहें तो 12 से 14 अप्रैल के मध्य में चंद्रमा कर्म क्षेत्र में परम मित्र सूर्य और शुक्र के साथ में रहेगा, यानी 12, 13 और 14 तारीख को माता पिता के स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। मानसिक शांति, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या उच्च अधिकारी के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरियां लग जाएंगे। बॉस से मतभेद या मन चाह ट्रांसफर जो चाहते थे वह हो जाएगा। इसके अलावा जो है इस समय आप अपनी भौतिक सुख सुविधा हेतु सामान परचेज करेंगे और साथ में जो है कोई महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप विचार भी करेंगे, यानी रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में नाम मिलेगा। 15, 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपको धनी बनाएगा, अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा। लेकिन 17 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिर 18 तारीख वाले में काउंट करते हैं क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है राशि को परिवर्तित करके मिथुन में जाएंगे। तो आपको 15, 16 और 17 तारीख को विदेश यात्राओं का गुड न्यूज मिल जाएगा। संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा में लाभ, लेकिन संतान से मतभेद की संभावनाएं दिखेंगी। 15, 16 और 17 तारीख को आपको लव रिलेशन पे बचाव करके रखना है। किसी भी हाल में अपने अच्छे रिलेशनशिप में आप बिजनेस को या पैसे को मत लाइएगा। 15, 16 और 17 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को बड़े भाई बहनों से लाभ, सरकारी कर्मचारियों से लाभ, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को आप परचेज करेंगे। जीवन में आपको अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा और विवाह हेतु अच्छे रिश्ते भी आएंगे। 18 तारीख को यानी दोपहर का, 17 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे से अगला 18 तारीख तक जो है विदेश यात्राओं का लाभ मिलेंगे, लेकिन खर्च में वृद्धि देखने को मिलेंगे। क्रोध, चिड़चिड़ापन ज्यादा आएगा और इसके अलावा कुछ लोग बदनाम करने के प्रयास करेंगे, तो आपको दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं देना है और इस समय मेंटल पीस में रहना है। आपका इस समय किसी भी हाल में जो है कोई कुछ भी बोल दे, मानसिक शांति बना के रखिएगा। 18 तारीख को केस मुकदमा, झगड़ा झंझट, फालतू व्यय के चक्कर में बच के रहिएगा और कर्जदार लोगों से भी बच करके रहिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 18 तारीख को जो है जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और पूरे सप्ताह पेड़ा जो है गणेश जी को भोग लगाइएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो 12, 13 और 14 तारीख को भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठेगा, जो धन का जो परेशानी चल रहा है उससे मुक्ति कराएगा। 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देखने को मिलेंगे, प्रमोशन पदोन्नति का योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं जो चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी और 12, 13 और 14 तारीख को जो है आत्मविश्वास पुनः आपके अंदर लौट चला आएगा और पिता से रिश्तों में सुधार हो जाएंगे। 15, 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, बिजनेस के और नौकरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऑर्डर्स आ जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति या कुछ महत्वपूर्ण चीजें परचेज करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। माता पिता से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे और सरकारी तंत्र क्षेत्र में आपको एक अच्छे सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। प्रमोशन पदोन्नति तो पूरे सप्ताह दिख रहा है। 18 तारीख को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले विदेश यात्राओं से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन, शिक्षा और संतान की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय लॉटरी सट्टा से रिलेटेड भी लाभ देखने को मिलेंगे और साथ में कहीं फंसे हुए पैसे भी 18 तारीख को किसी भी हाल में लौट जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों के रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में सिंह लगन और सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा, अगर पूरे सप्ताह आप भगवान शिव को या माता दुर्गा को अगर आप नारियल चढ़ाते हैं ना फोड़ के, तो लाभ तो इतना ज्यादा होगा कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह की राशिफल की बात करेंगे 12 से लेकर 18 अप्रैल के मध्य का, तो देखिए 12, 13 और 14 तारीख को घरेलू मतभेद, पैरों में कष्ट, बदनामी, अस्थिरताएं, तनाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। यानी 12, 13 और 14 तारीख को जो है आपका हेल्थ इशू रहेगा।
दांपत्य जीवन में बाधाएं आएंगी, ससुराल पक्ष से मतभेद आएगा, तो किसी भी हाल में जो है 12, 13 और 14 तारीख को जो है आप कन्या लग्न और कन्या राशि वाले सावधान रहिएगा, नहीं तो परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। 15, 16 और 17 तारीख को हालात में सुधार देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो 15, 16 और 17 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा। 15, 16 और 17 तारीख को अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, सरकारी तंत्र हो या आपका खुद का ऑफिस के सीनियर अधिकारी हो, सभी लोगों से स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को जो है आपके माता पिता से रिलेशन में सुधार, संपत्ति की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुओं को परचेज करने वाले रहेंगे। इसके अलावा 15, 16, 17 तारीख को आपके दांपत्य जीवन में सुधार होगा, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे और विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाभ तो कोई रोक ही नहीं सकता है। मुझे पता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले, 15 से 18 आपका बहुत अच्छा है। 18 तारीख को जो है आपके घर के जो भी बड़े भाई बहन है या चाचा वगैरह है, उन लोगों से लाभ की संभावनाओं के साथ धन की प्राप्ति होगी। पूरे सप्ताह जो है आपकी कुंडली में कन्या लगन और कन्या राशि वाले बहुत ही अच्छा है। बस 12 से 14 तारीख के मध्य में आपको सावधान रहना है, और किसी भी हाल में जो है 12 से 14 तारीख के मध्य में आपको जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 12, 13 और 14 तारीख को जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले मेंटल पीस में रहिएगा और किसी का कोई रिस्क मत लीजिएगा। 12 से 14 तारीख के बीच में आप खीर का सेवन करिएगा। और पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो फिर आप भगवान श्री कृष्ण को जो है माखन का या फिर कोई भी सफेद रसगुल्ला का भोग अवश्य लगाइएगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए 12 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य का साप्ताहिक राशिफल की बात अगर करना चाहूंगा तो देखिए, 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में विराजमान हो जाएंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। ये अपवाद बोलिए या जो बोलिए, लग्न का लॉर्ड तो शुक्र है जो पापी ग्रहों के देवता है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्म क्षेत्र के एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी 12, 13 और 14 तारीख को तुला लग्न और तुला राशि वाले लाभ की संभावनाएं बहुत ही बनेंगे। माता पिता और बॉस से रिश्तों में सुधार आएंगे, व्यापार के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण धन की वृद्धि होगी, नौकरी में किसी प्रकार की परेशानियां या अस्थिरताएं आ रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे और जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी उसमें भी सुधार देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक जब सातवें घर में आ जाएगा तो आपके पिता या आपके बॉस आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और नौकरी करते हुए किसी व्यापार को चलाने का प्रयास कर रहे थे उसके लिए उपयुक्त स्थितियों की सुधार होगी और साथ में जो है पेट संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को तुला लग्न और तुला राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के आठवें घर में होकर के भी शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है उच्च अवस्था में विराजमान हो जाएंगे। जब उच्च अवस्था में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ के ही फल उत्पन्न होंगे, आपको केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से मुक्ति देगा, लव रिलेशन में सुधार की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा, वाणी में मधुरता, बैंक बैलेंस वृद्धि और परिवार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके पार्टनर से मतभेद की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे, पुराने मित्रों का सहयोग देखने को मिलेगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। खास करके वो व्यक्ति जो वाणी के क्षेत्र से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप लोगों के लिए संभावनाएं अच्छी बनेंगी, लेकिन आपको ज्यादा बोलने से बचना पड़ेगा क्योंकि नीच का चंद्रमा का दृष्टि रहता है। इसके अलावा ज्यादा खर्च करने से भी या किसी के दूसरे के झांसे में आकर के जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले थे उसमें बच कर रहिएगा। 18 तारीख को जो है धन की प्राप्ति में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 18 तारीख को जो है पदोन्नति प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है, सरकारी कर्म क्षेत्र वाले के लोगों से थोड़े से सहयोग आपको बाहर से मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, मेंटल पीस, भाई बहनों से सुधार रिश्तों में, धर्म और कर्म क्षेत्रों में वृद्धि यानी धार्मिक यात्राएं और शिक्षा संतान लॉटरी सट्टा का लाभ तो पूरे सप्ताह निश्चित तौर पे दिखता है। तुला लग्न और तुला राशि वाले परिस्थितियों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा आपको तुला लग्न और तुला राशि वाले कि 15 पूरे सप्ताह जो है आप 15, 16 और 17 तारीख को जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा। और पूरे सप्ताह की परिस्थितियों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है
कि चावल का खीर बना करके पूरे सप्ताह जो है आप भगवान विष्णु जी को भोग लगाइएगा। देखिए लाभ की संभावना कितनी बनेगी, लेकिन गुड़ का ही खीर बनाना है चावल का। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल 12 तारीख से लेकर के 18 अप्रैल तक के मध्य का बात करते हैं, तो यह राशि फल जो रहेगा आपके लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता दिखती है। क्योंकि देखिए 12 13 14 तारीख को स्वास्थ्य खराब रहेगा, 12 13 14 तारीख को शत्रु परेशान करेंगे, कर्ज में वृद्धि देखने को मिलेंगे, पेट पैरों में कष्ट की संभावना के साथ पिता के कर्म क्षेत्रों में बाधाएं या पिता से मतभेद होंगे। आपको इस समय शत्रुता नहीं करनी है, हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है और किसी के विश्वास पे इन्वेस्टमेंट कहीं मत कर दीजिएगा। कोई अगर आपको बोलता है कि मैं नौकरी लगवा दूंगा या कुछ कर दूंगा तो ये काम मत करिएगा, हो सकता है कि आप दूसरे के झांसे में आकर के फंस जाएंगे या प्रमोशन का बाधा करता है। तो इसके अलावा जो है 15 16 और 17 तारीख को जो है सप्तमेश चंद्रमा उच्च का पदोन्नति प्रमोशन के रास्तों को खोलेंगे। नौकरियों की परेशानियां और कर्ज की परेशानियों से अचानक मुक्ति देखने को मिलेंगे। विवाह के रिश्तों में सुधार, लव रिलेशन में सुधार, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से लाभ, मानसिक शांति और साथ में जो है इस क्षेत्र में आप अपने जिंदगी की कुछ कुछ कमियां जो कर रखे हैं, कौन आपके अपने हैं कौन पराए हैं, ये जब आपके पीठ पीछे लोग बदनामी करते हैं तभी पता चलता है। तो 15 से 17 तारीख के मध्य में आपको यह सामने आ जाएंगे। 18 तारीख को पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं दिखेंगी, प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं दिखेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई विशेष लाभ नहीं दिखेंगे, क्योंकि विदेश यात्राओं से लाभ 15 से 17 के तारीख के मध्य में दिखेगा। और 18 तारीख को जो है आपको ससुराल पक्ष से मतभेद के योग बनेंगे, आप सेपरेटेड होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको पूरा सप्ताह में खास करके 12 से 14 और 18 को तो सावधान रहना ही चाहिए, 17 तारीख को दोपहर का 1:30 बजे के बाद से ही। पूरे सप्ताह उपाय की अगर बात करना चाहे, चंदन का तिलक लगाइए और स्नान करते समय भी जल में चंदन अवश्य डालिए, नहीं तो परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो 12 13 और 14 तारीख को चंद्रमा पंचमेश रहेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, धन की प्राप्ति, नौकरी में तरक्की, उच्च लोगों से संपर्क, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के साथ में जो है केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। 12 से 14 तारीख के मध्य में शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, संतान के तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ में छोटे भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी और बुद्धि के साथ जो है अपने कर्म क्षेत्रों को आप आगे बढ़ाने वाले रहिएगा। 15 से 17 तारीख के मध्य में जो है उच्च का चंद्रमा कर्ज की मुक्ति कराएगा, सही सही डिसीजन दिलवाएगा, पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। इस समय जो है आप अपने जीवन में कुछ अच्छे रिसर्च करेंगे, अपने जीवन में किन गलतियों के कारण आपको परेशानियां हो रही हैं, कौन आपके अपने हैं कौन पराया है, इस पे भी आप निष्कर्ष निकालिएगा। 15 से 17 तारीख के मध्य में जो है आपको कोई बदनाम कर दिया गया था वह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, केस मुकदमा से रिलेटेड, विदेश यात्राओं से रिलेटेड संपूर्ण बाधाएं मुक्ति देखने को मिलेंगे। और 18 तारीख को जो है आपके विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत से रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, नौकरी में तरक्की के ये प्रमोशन के गुड न्यूज मिल सकते हैं और साथ में जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपके संतान की तरक्की और संतान होने से रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह बहुत ही अच्छा है, फिर भी अच्छा को अच्छा बनाने के लिए एक उपाय आप कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू प्रत्येक दिन किसी भी गरीब को जो है बतासे का दान या फिर जो है बादाम का दान अवश्य कर दीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहेंगे तो 12 से 14 तारीख के मध्य का जो समय रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 12 13 14 तारीख के मध्य में माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। संपत्ति से रिलेटेड आप कोई बाधाएं थी, आप बेच के दूसरा परचेज करना चाहते थे, वह समस्याएं भी सॉल्व होंगी। 12 से 14 तारीख के मध्य में नए नौकरियों का अवसर मिलेंगे, पिता माता का सहयोग मिलेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा, सरकारी तंत्र में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। 15 16 और 17 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले, संतान के तरक्की में वृद्धि होंगे, 15 17 में प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योग की ओर फैमिली रेडी हो जाएंगी। 15 से 17 के मध्य में दांपत्य जीवन में सुधार होगा,
विदेश में जो आप व्यापार कर रहे थे उसमें वृद्धि देखने को मिलेंगे, कोई रिसर्च के क्षेत्र में थे आप, या फिर आपके कोई पुराने कहीं पैसे फंसे हुए थे, व्यापार रुक गया था, नया कुछ प्रारंभ नहीं हो रहा था, तो 15, 16 और 17 तारीख को वह भी प्रारंभ हो जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके जीवन में जो है धन के रास्ते खुलेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग देखने को मिलेंगे। हालांकि 18 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो 18 तारीख को जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले आपको बहुत हद तक किसी मामले में सावधान रहना है। 18 तारीख को जो है थोड़ा सा पैर में पेट में कष्ट होंगे, किसी कारण से दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकता है, पार्टनरशिपिंग गलत से लोगों से साइन ना कर लीजिएगा। 18 तारीख को कर्जदार हो या शत्रु हो प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिएगा और सरकारी कर्म क्षेत्र वाले लोगों से किसी भी हाल में मत भिड़िएगा, क्योंकि इस समय थोड़ी परेशानियां और धन का व्यय देखने को मिल सकता है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 18 तारीख को तो आपको जल और दूध मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाना ही है, और पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा और प्रयास यही करिएगा घर से निकलने से पूर्व जो है आप किसी भी हाल में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई खा करके निकलिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो 12 तारीख से 14 तारीख के मध्य में चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय जो है आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति का योग देखने को मिलेंगे। आपके पिता के रिश्तों में और आपके रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा रहेगा, अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, जीवन की छोटी छोटी कमियां या फिर किसी से कुछ दिनों समय से रिलेशनशिप जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे आपकी कुंडली में 12 तारीख से 14 तारीख के मध्य में कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। इसके अलावा जो है 15 तारीख से 17 तारीख के मध्य में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आप अपने जीवन में सामान परचेज करना चाहते थे वो परचेज हो जाएगा, मेंटल पीस होंगे, माता से लाभ मिलेंगे। कुछ बात को लेकर पिता और आपके मध्य में मतभेद हो सकता है, लेकिन आपके पिता आपके तथ्यों को लास्ट में समझेंगे और आपको ही सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है लेकिन हाँ थोड़े पिता का स्वास्थ्य 15-17 में खराब हो सकता है तो आपको सावधान रहना है। इसके अलावा जो है 15-17 तारीख के मध्य में कर्ज की मुक्ति होगी। 15-17 तारीख के मध्य में आपके शत्रु आपके सामने नहीं कुछ कर पाएंगे और स्वतः ही झुक जाएंगे। 15-17 तारीख के मध्य में जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट या धन की प्राप्ति में कोई बाधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और 18 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी, कोई बढ़िया कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वह मिल जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेंगे और मानसिक शांति देखने को मिलेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। पूरे सप्ताह की स्थितियों की बात अगर करते हैं, अगर पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले तो पूरे सप्ताह जो है आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और दुर्गा जी को पूरे सप्ताह किसमिस का भोग लगाइए और 51 बार पर डे या 21 बार ओम दुम दुर्गे नमो मंत्र का उनके सामने जाप करिएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठ जाएंगे जो लाभकारी और उन्नति कारक फल देगा। यानी 12 से 14 तारीख का समय धन की प्राप्ति का रहेगा। 12 से 14 तारीख का समय जो रहेगा मित्रों का सहयोग मिलेंगे, पारिवारिक सहयोग मिलेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, रिसर्च के क्षेत्र में या फिर किसी कर्म क्षेत्रों में सरकार आपको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो है शिक्षा की तरक्की, अच्छे कॉलेज वगैरह में जाना चाहते हैं और ससुराल पक्ष से जो भी मतभेद की स्थितियां चल रही थी सभी परेशानियां दूर होंगी, मतलब आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपका मीन लगन और मीन राशि वाले। 15, 16 और 17 तारीख को जो है कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास बढ़ जाएंगे। इस समय मानसिक शांति, पारिवारिक यात्राएं सुखद रहने वाली हैं और साथ में जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे आपका आत्मविश्वास खो चुका था हुआ ठीक हो जाएंगे। रिश्तेदारों से मतभेद की संभावनाएं दूर हो जाएंगी, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। और 18 तारीख को जो है आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 18 तारीख को जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उससे रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे, आपके माता और पिता आपको सहयोग करने वाले रहेंगे। 18 तारीख का समय जो रहेगा प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेंगे। आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान थे, संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बड़ा रिसर्च करना चाहते थे
उसको रिसर्च में आगे बढ़ाने वाले रहिएगा और विदेश यात्रा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ की संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह में एक ही बात बोलूंगा, मीन लग्न और मीन राशि वाले हल्दी का तिलक प्रत्येक दिन लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, यही उपाय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। प्रिय दर्शकों, 12 अप्रैल से 18 अप्रैल का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।